हमारा फर्स्ट टाइम आज स्पीक कर रहा हूँ कि एक दर्जी से आर्टिस्ट बनना कैसा होता है। जिंदगी में बहुत मुश्किलें आईं, बहुत ऐसा कुछ देखा, फैमिली की कोई सपोर्ट नहीं है, दोस्तों की कोई सपोर्ट नहीं है, पर एक मन में ऐसा एक चाह था कि कुछ हटके करना है। जिंदगी में एक चीज़ मैंने सोची थी कि जो आर्टिस्ट होता है वो बनता नहीं है, वो पैदा होता है। ये सच है, क्योंकि जब शुरू में स्कूल में जब पढ़ता था तो स्कूल में ना मुझे लड़के कहते थे यू आर लूज़र। वो इसलिए कहते थे क्योंकि मैडम पहले कह देती थी अरुण आप बाहर जाइए, क्योंकि शुरू से ही ऐसा था इसको छेड़ना उसको छेड़ना और पढ़ाई में ध्यान नहीं। फादर साहब ने मुझे कहा कि आपने बेटा पढ़ना तो है नहीं है, आप शॉप का संभालो, शॉप पे काम करो। मैंने कहा ओके। मैट्रिक के बाद 3 महीने के जो एग्ज़ाम के बाद छुट्टियाँ हुई, मैं अपनी शॉप पर गया और एम्ब्रॉयडरी का काम करना शुरू कर दिया। 2-3 साल जब काम किया, 16 साल की मेरी एज थी, 16 साल की एज में मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए। फिर ऐसा लगा कि अब क्या करूँगा, कैसे कमाऊँगा, कैसे खिलाऊँगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। पर मन में ऐसा था कि कुछ हटके करना है, क्योंकि जब कोई फैमिली का बड़ा चला जाता है तो पीछे किसी की सपोर्ट नहीं होती, कोई रिश्तेदार नहीं होता, कोई नहीं होता, ये सच है। पर एक ऐसे ओहदे पे जाके खड़ा होना चाहता था कि वहाँ पे वो कहे कि ये तो हमारा बेटा है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भांजा है, वो ऐसा बोले, उनको ऐसा मजबूर करना। पहले मैंने जब एम्ब्रॉयडरी का काम शुरू किया, जब मैंने जाके 13 दिन बाद दुकान खोली फादर एक्सपायर के बाद, 2001 में उनकी डेथ हुई थी, तो वहाँ पर जब पहुँचने के बाद जब मैंने दुकान खोली तो मैं 80 रुपीज़ की 80 रुपये की जो रीले हैं वो उधार लेके आया था, जिससे मैंने ये साम्राज्य खड़ा किया। वो उसके साथ चलते चलते आगे ऐसा काम करने को पकड़ा कि जो कोई दूसरा ना कर पाए। जैसे एम्ब्रॉयडरी में लोग सूट बनाते हैं, मैंने अचकन बनाई अलग से विदाउट प्रिंटिंग मैन्युअली। उसके बाद हट के चला गया, ड्रेस डिज़ाइनर बन गया। जितने भी पंजाबी सिंगर हैं, गुरदास मान जी हैं और मैं सबकी ड्रेस डिज़ाइन करता हूँ, सबकी ड्रेसेस बनाता हूँ। वो काम ऐसा है जो और कोई नहीं करता, अलग हट के काम किया। पर कभी ये नहीं सोचा था कि एम्ब्रॉयडरी को इस हद तक भी ले जाऊंगा कि मैं पोर्ट्रेट बनाने लग जाऊंगा, धागे से तस्वीरें बनाने लग जाऊंगा। गर्मियों में एक बार मैं सो रहा था, मुझे ख्वाब आया कि मैं गुरु नानक देव जी का पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। ख्वाब में मैं उठा, मैंने सोचा ये पॉसिबल है कि गुरु नानक देव जी का पोर्ट्रेट बन सकता है। मैंने उठ के कोशिश की कि चलो कोशिश तो की जाए। पर वो बनने के बाद जब मैंने लोगों को दिखाया, उसमें 1 हफ्ता लगा, 1 वीक, और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, यार ये क्या बना लाया, ये तो बहुत बढ़िया बना हुआ है। फिर मेरा आगे से उत्साह बढ़ गया, फिर सोचा कुछ हटके और किया जाए। मैंने सोचा अब कुछ बड़ा करता हूँ। मैंने एक कृष्णा का पोर्ट्रेट शुरू किया, द लॉर्ड ऑफ कृष्णा, जिसको मैंने पैर के नाखून से शुरू किया और ऊपर चलते चलते मुझे 1 साल लग गया। जब मैं यहाँ गर्दन तक बना और फेस रह गया तो मैंने 2 हफ्ते काम नहीं किया, क्योंकि जब जाता था मन नहीं होता था, क्योंकि कभी घर की प्रॉब्लम, कभी बिल भरना, कभी कुछ भरना है, माइंड में बहुत चीज़ें ऐसी चल रही थी कि मैं किस तरफ जाऊँ। एक दिन रात को 3 बजे उठा, अपने शॉप पर गया और जाके अपनी मशीन को माथा टेक के काम करने लग गया। 6 बजे तक पोर्ट्रेट तैयार हो गया। जब वो पोर्ट्रेट बना तो मैं उसको देख के रोया, क्योंकि वो मेरी 1 साल की मेहनत थी। ये मेरा एम्ब्रॉयडरी का जो काम है ये निकल नहीं सकता, ये इसको उधेड़ नहीं सकते, जो एक लाइन लगी वो लगी, वो पत्थर के ऊपर लकीर बन गई, उसको निकाल नहीं सकते।
जब पोर्ट्रेट बना मैंने कहा इसका बैकग्राउंड खाली है, इसको बैकग्राउंड को भरूँ। पहले साल पोर्ट्रेट को लगा और दो साल उसके बैकग्राउंड को लगा, तीन साल लगे मैंने पोर्ट्रेट बना के उसको एक साइड में रख दिया। आगे चलता रहा काम, ड्रेसेस, सरकारी जॉब भी मिली मैंने छोड़ दी, मैंने ली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब मिली थी मैंने ली क्योंकि मैं किसी के अंडर नहीं करना चाहता। वहाँ से चला आगे चलता चला गया, ड्रेसेस बंद हो गई क्योंकि जो किसान लोग हैं उनका काम कम हो गया और पहले तो उनके वहाँ पे चलते थे जो गाने चलते थे वो बंद हो गए, मेरी ड्रेसेस का काम बंद हो गया, जो अचकन और शेरवानी मैरिज के ऊपर डालते हैं वो रेडीमेड आने लग गई उसको भी छोड़ दिया, कुर्ते बनाता था उसकी एम्ब्रॉयडरी करता था वो भी ख़त्म हो गए। फिर सोचूं मेरा काम तो एम्ब्रॉयडरी का है, मेरे फादर की दुकान है वो भी किराए पे है, फिर मैं उसको आगे लेके कैसे जाऊं, सारा काम तो रेडीमेड आ रहा है अब इसको अलग से कैसे करूं। मैंने क्या किया जी, अपना दुकान का काम छोड़ दिया, एक साल मैं पूरा, एक जगह है जहाँ मैं सेवा करता हूँ कोई नहीं जाता, एक जंगल है उस जंगल में एक नीचे दरगाह बनी हुई है वहाँ पे जाके बैठ जाता था रोज, जितने मैंने पैसे जोड़े थे वो मैंने अपने घर को खिलाता रहा कि आपको कोई कमी ना आने पाए। शॉप से फ़ोन आता था कि कस्टमर आया काम किया घर वालों को पैसे दिए और वहाँ जाके बैठ गया, दाढ़ी बढ़ गई बाल बढ़ गए, एक साल निकल गया। जब साल निकला मुझे वहीं से आवाज़ आई क्योंकि मेरे साथ गोट शुरू से चलता आ रहा था, मैं कहता हूँ भगवान है क्योंकि मैंने उसको रूप नहीं देखा है। उन्होंने मुझे कहा एक साल के बाद कि भाई तू बात सुना कर किसी की, तू बात नहीं सुनता। मैं ही मेरे सामने खड़ा था वहाँ पे जब मुझे ऐसे लगा कि किसी की बात नहीं सुनता, बात सुना था। आज एक लड़का मिलेगा वो जो कहेगा वो कर लेगा, ये मुझे ऐसे लगा। उठा बाहर गया, वहाँ पे एक लड़का मिला जो जुत्ती बनाने का काम करते हैं, वो लड़का मिला, उसने कहा मैं आपकी शॉप पे गया था यार बहुत अच्छा काम बना, वो कृष्ण जी की तस्वीर बहुत बढ़िया बनी हुई, तुम एग्जीबिशन क्यों नहीं लगाते, एग्जीबिशन लगाओ। मैं कहा ये कहाँ जाना पड़ता है, कहते डेवलपमेंट इंडस्ट्री सेंटर जिला उद्योग केंद्र जाओ। मैं वहाँ पे गया, उनको मैंने काम दिखाया, वो सारे कुर्सियों से खड़े हो गए कि ये क्या ले आया, उनको मैंने वीडियोज़ दिखाई कि मैं ऐसे सिलाई मशीन से बना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आपका काम सेलेक्ट करने के लिए लुधियाने भेजना पड़ेगा, वहाँ पे आप एग्जीबिशन में दिखाओगे जिसका सेलेक्ट हो जाएगा उसको वहाँ पे भेजा जाएगा। ओके, मैं वहाँ पे चला गया, उनको मेरा काम पसंद आ गया, उन्होंने कहा आपको हम दिल्ली प्रगति मैदान में फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम था मेरा नवंबर में, कि आपको प्रगति मैदान में हम शॉप दे देते हैं। मैं कहा मेरे पास पैसा नहीं है कोई, 9 तस्वीरें बनी हुई थी मेरे पास जिसमें से 2 पोर्ट्रेट थे जो किसी के फादर के पोर्ट्रेट थे जो जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके नीचे उनकी डेट भी लिखी हुई थी जब मैंने वहाँ पे जाके लगा दिए। वो लोगों ने आके जब काम देखा, जब मैं प्रगति मैदान पहुँचा बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट मिला। वहाँ पे मेरे माइंड में एक बात और आई क्योंकि ये कुदरत ऐसी चीज़ है जो आपके साथ चलती रहती है। मेरे पास उन्होंने ऐसे कहा कि पंजाब पवेलियन जो वहाँ पे दिल्ली प्रगति मैदान में लगते हैं वहाँ पूरे वर्ल्ड लेवल के लोग आते हैं। मैंने उसमें क्या किया, मैंने चैलेंज कर दिया कि जो वो मैं काम बना रहा हूँ ये मैं पूरे पवेलियन में जितना भी यहाँ पे डेट फेयर लगा हुआ है उसमें कोई नहीं बना रहा, ये मैं अकेला बना रहा हूँ। वो वर्ल्ड लेवल में आ गया और मैंने चैलेंज कर दिया कि अगर कोई बनाता होगा तो उसको मैं एक फ़ोटो तस्वीर फ्री में दूंगा और 50,000 इनाम दूंगा, जो मेरे पास है नहीं थे पर मैंने चैलेंज कर दिया। जब ये चैलेंज हुआ आगे जाके लोगों ने देखा और वो देखा कि वो तो है नहीं, मीडिया आ गया, मीडिया ने आपने चैलेंज किया। उस चैलेंज से इतना बेनिफिट मिला, अखबारों में न्यूज़ों में पब्लिसिटी हो गई। जब पब्लिसिटी हुई तस्वीर तो कोई बिकी नहीं, वहाँ से हैंडीक्राफ्ट के लोग आ गए और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वाले आ गए, रिकॉर्ड बनाया, चलता रहा 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए। फिर मुझे मिला, कहते आप हैंडीक्राफ्ट के साथ नाल जुड़ जाओ। हैंडीक्राफ्ट के पास गया, हैंडीक्राफ्ट कहते ये हाथ का काम नहीं है, ये मशीन का काम है। मैं कहा सर पहले घड़ा था वो हाथ से घुमा के बनाते थे, अब उसमें मोटर लगा दी उन्होंने, ऐसे ही सिलाई का काम है, पहले हाथ से चलती थी अब उसमें मोटर लगी हुई है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। उनसे मैंने चैलेंज किया कि आपके हैंडीक्राफ्ट में पूरे इंडिया में कितने लोग हैं, उन्होंने कहा 4 लाख। मैं कहा सॉरी सर 16 लाख है, क्योंकि मैं पहले ही पढ़ के गया था सारा कुछ। जो 16 लाख लोग हैं अगर उनमें से एक भी बंदा मेरे जैसा काम बना रहा है तो मुझको नाम, जो मेरे जैसा नहीं है तो मेरा नाम रजिस्टर्ड करो। पीछे हो गया क्योंकि बात ही ऐसी रखती थी। उन्होंने मुझे सूरजकुंड में पहली एग्जीबिशन दी हैंडीक्राफ्ट की तरफ से और मेरा लर्निंग कार्ड बनाया, जो लर्निंग एक साल लगता कार्ड बनने में, मेरा लर्निंग बना के दिया। वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम जो मैं तस्वीरें दी, मैंने कुछ पेंटिंग भी बनाई हुई थी वो भी ले गया, थ्रेड वर्क की भी मेहनत की क्योंकि मेरे पास
नवंबर से लेके फरवरी को लगता है, 1 फरवरी को सूरजकुंड का मेला हरियाणा में, मुझे जब टाइम मिल गया 2 महीने, मैं 2 महीने दिन रात लगा रहा, मैंने पोर्ट्रेट कितने बना दिए और ले गया बस वहाँ। जब वहाँ पे जाके पहुँचा पहली बार, मैंने 15 दिन में 2,80,000 रुपये कमाए स्टार्टिंग में। 2,80,000 रुपये जब मुझे मिले, मेरे घर वालों को भी थोड़ा वो हो गया कि हाँ यार इसने कुछ किया, अलग सी कर लिया, चलो 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 करो। जब मीडिया में मैं आने लग गया, न्यूज़ों में आने लग गया, फिर आगे से आगे चलते मैंने आंध्र प्रदेश चला गया, पूना चला गया, जहाँ जहाँ दिल करता चला गया। फिर मैंने पोर्ट्रेट बनाने शुरू कर दिए लोगों के, कि जिसका भी पोर्ट्रेट बनाना चाहो मैं बना सकता हूँ सिलाई मशीन से। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है अगर इंसान करना चाहे तो। सोच सोच के ये हैरान रहता रहा कि यार ये कर लूँगा, किसी का पोर्ट्रेट आता था ये कर लूँगा, ये इतना क्रिटिकल था, इसमें स्विमिंग पूल दिख रहा है, वो लेडीज़ फ़ोटो खींच रही है, इसमें डिटेलिंग दी है, ये कपड़ों की जो शर्टों की डिटेलिंग दी हुई है, कि ये धागे से पॉसिबल है। पॉसिबल करना है, कोई चीज़ करनी है वो होगी, ज़रूर होगी। आगे से आगे करता चला गया, फिर मेरे पास हिस्ट्री चैनल वाले आए, ओ माई गॉड मेरा इंडिया, उसमें आया, इंडिया गॉट टैलेंट में गया, वो कह रहे 3 मिनट में दे दो, मैं तो सॉरी 3 मिनट के पोर्ट्रेट नहीं बनेगा। उन्होंने मुझे वैसे ही अवार्ड दिया कि ये वर्ल्ड लेवल में कहीं नहीं। सबसे ज़्यादा खुशी मिली थी, मेरे पास अननोन नंबर से फ़ोन आया, मिस्टर अरुण बजाज, मैं कह सर कल 12 बजे आपकी श्री नरेंद्र मोदी जी से मीटिंग है। मैं हैरान रह गया, मैं कह ये कैसे हो गया, क्योंकि मैंने उनको अप्लाई किया था 6 महीने पहले कि मैं आपका पोर्ट्रेट बनाया वो देना चाहता हूँ। मैंने सोचा ये अब मैं आगे कैसे जाऊँगा, पता नहीं ये सच है कि नहीं है, क्योंकि वो अननोन नंबर था। शाम को फिर आ गया, सर आपका पक्का है ना, मैं कहा यार मजाक मत करो, कहते नहीं नहीं आपने आना है। अगले दिन मैं 3 बजे उठ के जैसे मर्जी कह के वहाँ पे संसद भवन में पहुँच गया, संसद भवन में आगे रिसेप्शन पे गया, मैं कहा मैडम माई नेम अरुण बजाज, कहते हाँ आपके 12 बजे आपकी पीएम साहब के साथ मीटिंग है। जब वहाँ पे पहुँचा ऑफिस में तो सारे जितने भी उनके सेटअप थे, जो लोग बैठे थे, उन्होंने कहा अरुण आ गया, अरुण आ गया, अरुण आ गया, क्योंकि उन्होंने पहले सारा मेरा काम देख रखा था। उन्होंने कहा सर आप बैठिए, पहले ये जो लोग हैं इनको क्लियर करके आपके साथ सब बॉस कहते हैं, आपके साथ बॉस 15 मिनट या 20 मिनट बैठेंगे और आपके साथ कॉफ़ी या चाय पियेंगे, आप वेट कर लीजिए। मैं कहा ओके, क्योंकि उनको 1 मिनट देते थे, बुका दिया, फ़ोटो खिंचवाई और चल गई। जब मैं उनसे मिला, अंदर गया तो मोदी साहब खड़े हुए थे ऐसे हाथ जोड़ के, और ये कह रहे थे ये क्या करके ले गया बजाज साहब, ऐसे करके खड़े थे। वो चीज़ जब मैंने देखी, मतलब यार कहाँ से उठा था और कहाँ पहुँच गया। आगे से आके ऐसी चीज़ें मोटिवेट बन, इंसान होता रहता है, मोटिवेट होना और मोटिवेट करना। अंधेरा ही देखा सारी ज़िंदगी, ये क्यों कर रहे हैं, क्या मिलेगा तेरे को करके, आगे इसका कौन पूछेगा, इंडिया है ये है, वो लोगों की हेडिंग है। मेरी हेडिंग क्या है कि कुछ ऐसा छाप के तो जाऊँ ना कि जब बंदा नहीं रहेगा अगला कहेगा तो सही ना, एक पटियाला में अरुण बजाज था जो धागे से तस्वीरें बनाता था। इम्पॉसिबल ना हो कुछ भी, सब पॉसिबल है। इंसान करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, बस उसको करने की चाह होनी चाहिए। ना रात देखा, ना दिन देखा, ना सुबह देखी, ना शाम देखी, बैठे पड़े हैं। घर वालों ने भी बोला क्या बात तुम काम ये अलग सी करने लग गए हो, इससे कुछ तुम्हें बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा जब मैंने, पहले तो मेरा चलता रहा, अब मुझे क्या हो रहा है, पोर्ट्रेट मिल रहे हैं लोगों के, मुझे कॉल आता है सर आप पोर्ट्रेट बना दोगे, बना देंगे, कितने का है, 1,000 का है, इतने का काम चल रहा है। नीचे से जब चीज़ शुरू की, ऊपर तक पहुंचा, उसको अलग 3D में बना रहा हूँ, ब्लैक एंड वाइट में बना रहा हूँ, उसी को चेंज करके कर रहा हूँ। मोदी जी ने स्मृति ईरानी जी से मिलवा दिया, उन्होंने मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा छोड़ा ही नहीं। वो कहते मैंने भी ऐसा कोर्स किया है पर ये काम तो पहले कभी देखा नहीं, मैंने भी सिलाई का काम तो देखा है पर ये काम नहीं देखा। उन्होंने कहा आपको निफ्ट में जॉब देंगे, नो प्रॉब्लम, मैं लेने के लिए, पर मैं इसको सिखाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये जो आर्ट है ये ख़त्म हो। मैं उनसे रिक्वेस्ट करके आया था पर 1 साल हो गया अभी तक तो मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि मैंने ये कहा था कि ये आर्ट है, ये डिफरेंट आर्ट है। इसको मैंने चैलेंज इसलिए करा हुआ है क्योंकि ये कृष्णा की फ़ोटो है 6 फीट बाय 4 फीट, इसको 3 साल बनाने में लगे हैं और इसमें 28,36,000 मीटर धागा लगा हुआ है। ये दुनिया की सबसे लंबे धागे की तस्वीर है सिलाई मशीन से।
इतना ज़्यादा डीपली चला गया। एक मेरे पास पोर्ट्रेट और था, वो था महाराजा रणजीत सिंह जी का दरबार। उस दरबार में 2000 लोग खड़े हैं, वो पाकिस्तान म्यूजियम में लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि हम ये पोर्ट्रेट दे नहीं सकते क्योंकि ये 300 साल पुराना है। मैंने उनको कहा कि मैं इसको बनाना चाहता हूँ धागे के साथ। वो कह रहा सर अगर आपने धागे के साथ बुला लिया तो आपको स्पेशल इन्वाइट करके ना पाकिस्तान में सम्मानित कर देंगे। जब मैंने वो पोर्ट्रेट बनाना शुरू किया उसको एक साल लग गया। एक साल के बाद जब मैंने वो पोर्ट्रेट हाईलाइट किया महाराजा रणजीत सिंह जी का दरबार, तो उनका साथ के साथ ही फ़ोन आया कि आप पाकिस्तान आ सकते हो। मैं कहा नहीं सर अभी मेरा और कहीं वीज़ा नहीं लगा है, जो पहले पाकिस्तान लग गया फिर मैं कहीं नहीं जा पाऊँगा, दिक्कत हो जाएगी मेरे को। ये मेरा कॉपीराइट है, ये मैंने अपने माइंड से फैमिली बनाई थी कि फोक फादर को बनाया क्योंकि वो थोड़े स्ट्रिक होते हैं, मेरे डैडी बहुत स्ट्रिक थे, पढ़ता नहीं था, घोर डंडे मारते थे। और ये बेटा बनाया, बेटा भी स्ट्रिक होता है, ये मदर को बनाया। ये मेरी कॉपीराइट है, कुछ जो मेरे दिमाग में चलता रहता था वो मैं बनाने की कोशिश करता था कि उसको मैं बना दूँ। अब मैं एक ऐसा बना रहा हूँ पोर्ट्रेट, 500 साल आ रहा है गुरु नानक देव जी का, जो पहली मैंने फोटो बनाई थी, अब मैं एक जो पोर्ट्रेट बना रहा हूँ वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। मेरी सबसे बड़ी तमन्ना है जो मैं अब ये मैंने देखो रोता हुआ कलम बनाया हुआ है, लोग हंसता हुआ बनाते हैं, क्योंकि जो मेरी जीवन में हुआ मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उस मेहनत को मैं इतनी दूर तक लेके जाना चाहता हूँ। मुझे प्लेटफार्म चाहिए क्योंकि मैं अपने घर की तरफ से इतनी आर्थिक तौर पे नहीं हूँ कि मैं अपने आप स्टैंड हो पाऊँ। मेरे पास हुनर है, मैंने 25 साल में वो जैसे कहते हैं लोहा गर्म करके उसको थोड़े मार मार के किया है, मैंने ऐसे यहाँ तक पहुँचा हूँ। इससे किसी से ये नहीं पूछा ये कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है। पहली बार गाड़ी चलाई थी, गाड़ी से माथा टेका, गाड़ी में बैठा और दो गेड़े लगाए, सीधा पेवा हमारे वहाँ पे है कुरुक्षेत्र, वहाँ निकल गया, फैमिली को बैठाया चला गया। वो कहते अभी तो गाड़ी आती भी नहीं, आप कैसे चले गए? मैं कहा भगवान का नाम ले तो चल। पहले दिन से वो जो गाड़ी चलानी शुरू की आज तक चला रहा हूँ। ये कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, जितना ज़्यादा उसको सोचते हैं ना ये कैसे करेंगे ये कैसे बनेगा, नो। यहाँ पे आया, उन्होंने मुझे पूछा कि आप सर कुछ लिखने के लिए बोलने के लिए आप कुछ दोगे? मैं कहा नहीं, मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, बस एक्सप्लेन करने के लिए टाइम दो मुझे। क्योंकि जो चीज़ दिल से निकलती है वो किसी चीज़ से पता नहीं लगती, जो दिल से निकलती है, जिस चीज़ को हमने ज़िंदगी में करना है उसके ऊपर फोकस कर दिया कि ये काम करना है और ये होगा वो नेचुरली होगा, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। जब आप टाइम दोगे तो वो काम जरूर होगा। कहते हैं एक रात में अगर किसी को कोई भी रातों रात स्टार नहीं बनता, उसको पता नहीं कितनी रातें जागना पड़ता है स्टार बनने के लिए। 11 डिग्री में पानी नहीं उबलता, 11 डिग्री के बाद हल्का सा 12 में जाएगा वो साथ ही उबलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो 11 डिग्री तक जो लोग पहुंचते हैं वहां पे जाके थक जाते हैं, यार अब क्या करें, इतनी दूर तक चले गए, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं पूछ रहा, अब क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, वो 11 डिग्री के बाद छोड़ देते हैं। क्योंकि वो जो एंड आता है ना वो परेशान करता है बंदे को। जब 12 डिग्री तक पहुंचता है वो ऐसा विस्फोट होता है, फिर आता है द निडल मैन, 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड और राष्ट्रपति अवार्ड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।